इन सब को छोड़कर एक होता है आत्मानुशासन। आसन शासन पे शासन जहां सब समाप्त हो जाते हैं वहां से आत्मानुशासन प्रारंभ होता है। वो आत्मानुशासन धर्म के प्रति हमारे लिए अग्रसर करता है, धर्म में आगे बढ़ाता है। और वह आत्मानुशासन कब आएगा? जब हम निज पर शासन करेंगे। निज पर शासन करो फिर अनुशासन करो। पहले अपने आप को जानो कि हम क्या है, हम क्या है उसके बारे में जानने की कोशिश करना चाहिए। हम मन को जीत लो, मन को जीतने का प्रयास करें। जो मन को जीत लेता है दुनिया उसके आगे पीछे भागती है, फिर उसे किसी के आगे पीछे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, दुनिया उसके पीछे भागेगी। अगर आपने अपने ऊपर शासन कर लिया, आपने अपने मन को जीत लिया, तो दुनिया आपके पीछे भागेगी। ये लड़ाई झगड़ा सब मिट जाएंगे। मैं कहता हूं महावीर स्वामी के 5 सिद्धांत थे, अहिंसा सत्य चौर्य ब्रह्मचर्य परिग्रह। ये केवल मात्र 5 सिद्धांत ही नहीं, ये जीवन जीने की लौकिक कला है। ये 5 सिद्धांत जिसने अपने जीवन में अपना लिए, ध्यान रखना, अगर दुनिया का हर श्रावक श्राविका इन 5 सिद्धांतों को, महावीर के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार ले, तो किसी पुलिस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी वकील की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना कोई कोतवाली की आवश्यकता पड़ेगी, ना जज मेंट की जरूरत पड़ेगी, ना जज की जरूरत पड़ेगी, और ना ही अदालत की जरूरत पड़ेगी, और ना ही बॉर्डर बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, अगर ये 5 सिद्धांतों को हर व्यक्ति अपना लेते हैं। बस वो 5 सिद्धांत ही है जो जीवन को बदल के रख सकते हैं, जीवन को परिवर्तित करके रख सकते हैं। इन 5 सिद्धांतों को अपनाने की आवश्यकता है। देश को सुरक्षित रखने के लिए संत और सैनिक दोनों की आवश्यकता है। संत समाज को सुरक्षित रखता है और सैनिक देश को सुरक्षित रखता है। संत बनने के लिए मन को विजय प्राप्त करनी पड़ती है, मन पर विजय प्राप्त करनी पड़ती है। जो साधु, साधु ही है जो गुलाम बना सकता है। साधु वह कहलाता है जो मन को गुलाम बना लेता है, और श्रावक को कहलाता है जो मन का गुलाम होता है। इतना सा अंतर है बस साधु श्रावक में। श्रावक वो होता है जो मन का गुलाम होता है, मन ने जो कहा वो करने को तैयार हो जाता है। संत, संत मन को गुलाम बनाते हैं। महान भाव, हमारे आदिनाथ भगवान प्रथम तीर्थंकर इस युग के, उन्होंने सभी श्रावकों को जीवन जीने की कला सिखाई, और जीवन जीने की कला सिखाने के लिए उन्होंने 5 बातों को व्याख्यित किया कि 5 बातों को अगर अपने जीवन में अपना ली जाए तो आपका जीवन भी सुखमय आनंदमय हो सकता है। सबसे पहली बात उन्होंने बताई कि अपने आप को बदलो, दूसरे को बदलने की कोशिश मत करो। आज देश में लड़ाई किस बात की है? देश में लड़ाई इसी बात की है कि हर व्यक्ति दूसरे को बदलना चाहता है, अपने आप को कोई बदलना ही नहीं चाहता। वह कहता है मैं सही हूं, बस यही तो लड़ाई। वो कहता मैं सही हूं, मैं जो कर रहा हूं वो सही है, सामने वाला जो कर रहा है वो सब गलत है, मैं करूं वो सही है। इसी बात पर लड़ाई हो रही है। और आदिनाथ भगवान की पहली बात यही है कि स्वयं को बदलो, दूसरे को बदलने की कोशिश मत करो। हम दूसरे को बदलने का प्रयास करते हैं, अपने आप के अंदर वो चीज नहीं लाते कि हम भी वो अपने अंदर चीज लाएंगे। हम भी तो अपने आप को बदले पहले। अगर हम बदलेंगे तो जग बदलेगा, हमारी दृष्टि बदलेगी तो सृष्टि बदली नजर आएगी। यदि हमारी दृष्टि ही नहीं बदल पा रही है तो सृष्टि क्या बदली नजर आएगी। अक्सर भगवान कहते हैं अपनी दृष्टि को साफ कर लो, अपनी दृष्टि को बदल लो, सृष्टि आपको बदली नजर आएगी। ये पहली बात आदिनाथ भगवान ने कही। दूसरी बात उन्होंने कहा अपना काम स्वयं करो, दूसरे पर मत टालो। आज हम अपना काम दूसरे पर टाल देते हैं बस लड़ाई झगड़ा इसी बात का हो जाती है। अगर उसने आपका काम नहीं किया, लड़ाई झगड़ा उसकी उठा हो गए, कसाई भड़क गई। अपना काम स्वयं करो। तीसरी बात स्वतंत्र रहना, गुलामी नहीं करना, पराधीनता नहीं लाना, अपने अंदर स्वतंत्रता का भाव लाना। आप स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र हैं क्या खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, हर कार्य करने में आप स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र रहना चाहिए। ये तीसरी बात बताई, किसी गुलामी मत करो। और चौथी बात उन्होंने बता दी, स्वतंत्र तो रहना पर स्वच्छंद मत बन जाना। स्वच्छंद मतलब मनमानी करने मत बैठ जाना कि मनमानी करने बैठ जाओ, नहीं,
स्वतंत्र रहना पर स्वतंत्र मत बन जाना। और पांचवी बात बहुत अच्छी बात बोली, बोले जहां रहो जैसे रहो जिस स्थिति में रहो जिस परिस्थिति में रहो सदा मुस्कुराते रहो, बस यही जीवन है। हर एक के जीवन में परेशानियां आती हैं, दुख आते हैं, संकट आते हैं और चले जाते हैं, दुख आते हैं दुख जाते हैं। कल दिल्ली वाले आए हुए थे, एक छोटा सा भजन सुना रहे थे, उसमें एक पंक्ति थी, दुख आते हैं दुख जाते हैं, उन आते जाते दुख में जो मस्त रहते हैं हम मस्त रहते हैं। कितनी अच्छी पंक्ति है वो, चाहे दुख आए चाहे दुख जाए हम दोनों स्थिति में कैसे रहते हैं, मस्त रहते हैं। अपने आप में मस्त रहिए, गुलामी महसूस ही नहीं करिए, ये स्वतंत्रता दिवस है। भारत देश को आजाद हुए 77 वर्ष हो चुके हैं, 77 वर्ष की आजादी के समय क्या हम अपने आप को आजाद कर पाए, क्या हमने झंडा फहरा लिया, झंडा फहराने मात्र से हम अपने आप को आजाद समझ सकते हैं कि हम आजाद हो चुके हैं। आज भी ऐसे ऐसी दर्दनाक हादसे हो जाते हैं जो सुनने से रूप आ जाए, ऐसी ऐसी स्थिति परिस्थिति बन जाती है। अपने कुछ 5-6 दिन पहले ही अभी घटना हुई है अपने यहाँ अपने नगर में हुई है, ऐसी घटना जब पूरे देश को हिला के रख दिया, ऐसी दर्दनाक घटना हुई है हॉस्पिटल में, सबको 6 दिन हुए अभी केवल, इतनी दर्दनाक हादसा। हम स्वतंत्र हैं, आज हमारे यहाँ की बेटियां स्वतंत्र नहीं हो पाती, अच्छे तरह से नहीं घूम पा रही है, नहीं चल फिर पा रही है, क्या उनकी स्वतंत्रता क्या है, हर समय डर डर के जीना पड़ता है कि कहीं कोई ऐसा ना कर दे, कहीं कोई वैसा ना कर दे। ये स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता तो वो कहलाती है जहाँ पर सबको चलने फिरने की स्वतंत्रता है, सबको जीने का अधिकार है। ऐसी स्वतंत्रता किस काम की जो एक धर्म वाला दूसरे धर्म के सामने उसकी धर्म का पालन नहीं कर पा रहा है, उसकी धर्म के बारे में बोल नहीं पा रहा है, ऐसी स्वतंत्रता क्या काम की। हम स्वतंत्र अपने आप को स्वतंत्र मानते तो 77 वर्ष हो गए स्वतंत्रता की, और प्रत्येक वर्ष प्रधानमंत्री जी जाते हैं लाल किले पर बड़ा सा झंडा फहरा देते हैं, जनगण मनगण हो जाता है, सभी लोग जय 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 भारत जय भारत, सभी लोग नारे लगा देते हैं, लड्डू बड़ा खाने को मिल जाते हैं और घर पर जाके सो जाते हैं। बाकी 364 दिन क्या उस स्वतंत्रता का आह्वान भी होता है कि हम स्वतंत्र हैं। हम 15 अगस्त मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। स्वतंत्रता के पहले हमारा देश सोने की चिड़िया हुआ करता था, जिसको सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, हमारे देश को भारत माता के नाम से जाना जाता था, हमारे यहाँ दूध और घी की नदियां बहती थी, ऐसा दूध और घी की बहने वाला देश, शैक्षणिक विकास अनुसंधान सब कुछ था, लेकिन सब बदल गया। स्वतंत्रता आने पर सब बदल गया, जैसे ही स्वतंत्रता आई सब बदल गया क्या। आज हम अपने आप को स्वतंत्र दिवस मनाते हैं, स्वतंत्र कहते हैं अपने आप को स्वतंत्र हैं, ये सब कुछ तो बदल गया। आज खून की नदियां बहती हैं, विपरीत हो रहा है, जहां दूध और घी की नदियां बहती थी आज यहां पर खून की नदियां बहती हैं। जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता, सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था, इसलिए कहा जाता था क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी महापुरुष हुए सबने भारत में जन्म लिया है, वो भारत देश ऐसा है कि सबने यहाँ पर जन्म लिए। भारत क्या है, भारत एक भारत शब्द है, और भारत शब्द आपको क्या सिखाता है, क्या कहता है, भारत हमारे देश का नाम क्या है, भारत पक्का और कुछ तो नहीं है। जब जब इंडिया नाम बोलोगे ना, जब जब पराधीनता की गुलामी की याद आएगी कि हम गुलाम थे, तब तब याद आएगी भारत। 3 अक्षरों से मिलकर है भारत, भा र और अ, भारत। भा मतलब होता है भाषा, रा से होता है रूप रंग, और ता से मतलब हमारी ताकत हमारी एकता, ये है भारत। ता से मतलब होता है भाषा, हमारे देश की भाषा एक ही भाषा है और कोई भाषा नहीं है, हम उस भाषा को बदल चुके हैं। हमारे देश की भाषा कौन सी है, हिंदी बदल दी हमने, कहां पहुंच गए, अंग्रेजी। राम मतलब होता है रूप रंग, हमारी वेशभूषा, हमारी वेशभूषा से हमारी पहचान होती है, और वेशभूषा हमारी कौन सी है, साड़ी, महिलाओं के लिए साड़ी, पुरुषों के लिए कुर्ता पजामा, ये हमारी वेशभूषा है। उस वेशभूषा को बदल के पहुंच गए फैशन में, और
में कटे फटे दरिद्री के लोगों के पहनने वाले कपड़े, जो दरिद्री लोग पहनते हैं ऐसे कपड़े पहनने लगे, और अगर नहीं फटा हो तो फाड़ के पहनने लगे, काट लेते नया लाते और उसको कहते से कट मार के और फिर पहनने लगे। क्या करें, दरिद्र हो गए ना, दरिद्री बनने के लक्षण सामने आ रहे, दरिद्री बनना चाह रहे, अपना रूप रंग बदल दिया, अपनी वेशभूषा बदल दी, और ता से मतलब उधर ताकत, हमारे देश की ताकत है हमारी एकता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये हमारे देश का नाम है। हमारे यहाँ की एकता थी, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, चारों धर्म के लोग एक होकर रहते थे, और एक होकर रहते इसलिए तो कहते थे भाई भाई, भाई भाई बनते रहते। आज एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, एक दूसरे के क्षेत्र को हड़पने के लिए तैयार, एक दूसरे के नजरों को एक दूसरे सामने नजर नहीं मिला सकते, वो ऐसा वो ऐसा, वो उस पर कमेंट्स करता है वो उस पर कमेंट्स करता है। राजनीति बड़ी खतरनाक है, बड़ी खतरनाक, पता नहीं क्या क्या करवा देती है। इस देश में जो दूध और घी की नदियां बहाई जा रही थी, आज कत्ल खाने की नदियां बहाई जाती हैं, क्योंकि वो हमारे देश के नेता लोग सरकार लोग वही तो उन कत्ल खानों को परमिशन देती है। हाँ, कर सकते हो, जीवों को मार सकते हो, काट सकते हो, वही तो परमिशन देते हैं। तो जो आज दूध की नदियां बहती थी, आज पर कत्ल खाने के द्वारा खून की नदियां बहाई जा रही है। आज भारत को महावीर के सिद्धांतों को अपनाने की जरूरत है। वो पांच सिद्धांत जो महावीर स्वामी ने दिए थे, वो पांच सिद्धांत यदि भारत ने अपना लिए, भारत ही क्या और हर देश इन सिद्धांतों को अपना ले, तो पूरे जगत में विश्व में शांति का वातावरण हो जाएगा। चाहते तो सब है शांति, बोलते तो सब है कि शांति शांति शांति, मुझे शांति मिल जाए, मेरे देश में शांति हो, मेरा देश, मेरा अमन, मेरा चैन शांति से रहे, सब चाहते हैं, लेकिन शांति को प्राप्त करने के कारण वो महसूस नहीं करते वो किन कारणों से शांति मिलेगी, संत शांति कहां से मिलेगी। और महावीर के सिद्धांतों को अपना लिया तो आप भी उस देश में शांति ला सकते। वाणी में से आज बात, विचारों में अनेकानंद, जीवन में अपरिग्रह और आचरण में अहिंसा, ये चार आधार स्तंभ हैं। ये चार आधार स्तंभ कहलाते हैं। जैसे स्तंभ पर एक इमारत खड़ी हो जाती है, चार पिलर बना दिए जाए तो एक इमारत खड़ी कर दी जाती है, ऐसे चार ये पिलर हैं। इन पिलरों पर हम कोई से भी बड़ी इमारत खड़ी कर सकते हैं। हमारा धर्म भी इन्हीं इमारत पर खड़ा, इन्हीं पिलरों पर खड़ी है। बाणी में स्यादवाद, अपनी बाणी में स्यादवाद की बात को रखिएगा, अपने मन में सोच में अपने विचारों में अनेकांत को रखिएगा, और जीवन में अपरिग्रह सिद्धांत को अपनाकर अपने आचरण में अहिंसा धर्म का पालन कीजिएगा। बस इन सिद्धांतों को अपनाने की आवश्यकता है। आपने इन सिद्धांतों को अपना लिया, आपका देश सुरक्षित है, आपका देश सुरक्षित है। चूहा कपड़ा काटता और दर्जी भी कपड़ा उद्धार कर देता है, और दर्जी कपड़े का उद्धार कर देता है। काटते तो दोनों है, लेकिन एक बंटा धार कर रहा है और एक उद्धार कर रहा है। हम अपने आदर्शों की प्रशंसा तो करते हैं, उन्हें पसंद नहीं करते। हम अपने महावीर के सिद्धांतों को बोलते तो हैं, जानते तो हैं, बताते तो हैं, लेकिन जीवन में अपनाने का प्रयास नहीं करते कि हम उसको जीवन में अपना लें। काश उनको जीवन में अपना लें तो हमारे यहाँ सुख शांति एवं चैन अपने आप ही होता है। हमारे जैनागम में कुकु मात्र दिया है, कुकु मात्र नहीं है, हमारे जैनागम में को का महत्व नहीं है, की का महत्व है, समझो। हमारे जैनागम में और जैनागम क्या हमारे भारत देश के वासियों में को का महत्व नहीं है, की का महत्व है। को और की दोनों में बहुत अंतर है। हमारे यहां महावीर को भी मानो और महावीर की भी मानो, ये बताया जाता है, लेकिन आज महावीर को तो मानते हैं, महावीर की नहीं मानते। अगर महावीर की मानते तो लड़ाई झगड़ा होने की आवश्यकता ही नहीं होती।
पकड़ जगह 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 बॉर्डर बनाने की आवश्यकता ही नहीं होती। ये हमारा बॉर्डर है, तुम्हारा बॉर्डर, इस बॉर्डर में आगे मत आना, जो आगे आया तो लड़ाई छिड़ जाएगी। सीमाएं बनाने की आवश्यकता क्या थी? अगर हम महावीर की मान लेते, हम अपने अपने धर्म को, जो अपने अपने धर्म को मानते, अपने अपने धर्म को मानते हैं, उन धर्म के जो चलाने वाले हैं, संस्थापक हैं, उनको तो मानते हैं, लेकिन उनकी क्यों नहीं मानते? उन्होंने थोड़ी कहा था कि हिंसा करो, मारो, काटो, खाओ, उन्होंने थोड़ी कहा था, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था। हम उनकी प्रशंसा तो करते हैं, लेकिन अपने जीवन में उनकी बातों को अपनाने की कोशिश नहीं करते। प्रशंसा करने में क्या जाता है? दो तोले की जवान हिला डाली, दो तोले की जवान हिलनी पड़ती, हिलानी पड़ती, बस प्रशंसा हो जाती है। पसंद करने में दो मन का शरीर हिलाना पड़ता है, प्रशंसा करने में दो तोले की जवान हिलानी पड़ती है, और पसंद करने में दो मन का शरीर हिलाना पड़ता है, तब जाके हम उसको अपने जीवन में अपना पाते हैं। आज स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस, भारत को आजादी हुई 70 वर्ष हो गए। जानते हैं भारत में क्या होता है? आज हम यहां सुरक्षित बैठे हैं, अपने धर्म की चर्चा कर पा रहे हैं, आज हम अपने समाज में सुरक्षित बैठे हैं। किनकी वजह से बैठे हैं भैया? थोड़ा सा चिंतन कर लेना, मनन कर लेना, मंथन कर लेना। भारत में जब 20 डिग्री टेम्परेचर होता है तो ठंड पड़ती है, जब 16 डिग्री टेम्परेचर होता है तो गर्म कपड़े निकलते हैं, जब 12 डिग्री टेम्परेचर होता है तो मफलर निकलते हैं, और 8 डिग्री टेम्परेचर में हाथ पैर कांपने लगते हैं, और 2 डिग्री में आग जलने लगती है, और 0 डिग्री पानी में, 0 डिग्री में पानी जम जाता है। या जब -20 डिग्री टेम्परेचर होता है तब भी हमारे देश के जवान 12 किलो की बंदूक और 20 किलो की रसद लेकर बॉर्डर पर खड़े रहते हैं। तो थोड़ी सी भी ठंड लगने लगती है, हाथ कांपने लगते हैं, 2 डिग्री टेम्परेचर में हाथ कांपने लगते हैं, बहुत ठंड पड़ती है। सोचो -20 डिग्री में बैठे, -20 डिग्री में, और इतना वजन लेकर 12 किलो की बंदूक और 20 किलो की उसका राशन साथ में लेकर बैठे अपने देश की सुरक्षा करने के लिए, जो हमें नहीं जानते, हम उनको नहीं जानते, हमारा कोई रिश्ता नहीं, हमारा कोई संबंध नहीं, हम पर फिर भी वो जान लगाते हैं, हमारी रक्षा करने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। उन सैनिकों को आज याद करो, और आज ही नहीं हर दिन याद कर लिया करो कि हाँ, उनकी वजह से तो हम सुरक्षित हैं, उनकी वजह से तो हम यहाँ पर बैठकर अपने धर्म का पालन कर पा रहे हैं। है किसी देश के पास इतना वैभव, इतना इतिहास जो कि हमारे देश की वजह से? इतिहास की बात करें, इतिहास उठाकर देख ले, ऐसा किसी देश में इतिहास नहीं है जो हमारे भारत देश का इतिहास है। इतना किसी देश का वैभव नहीं है जितना वैभव हमारे देश का है। हमारे यहाँ के वैभव को चुरा चुरा के ले गए, हमारे यहाँ का वैभव विदेशों में लोग चुरा के ले गए, जो मुगल आए वो चुरा के ले गए, जो अंग्रेज आए वो चुरा के ले गए, जो आया वही लूट के ले गया, फिर भी हमारा देश कहता है आ जा, कोई बात नहीं। हमारे यहाँ के 3 शब्द बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। कौन सा है? कोई बात नहीं। ये 3 शब्द जो ना बड़े खतरनाक है, कुछ भी हो जाए क्या कहते हैं? कोई बात नहीं, कुछ भी हो जाए कोई बात नहीं, किसी ने थप्पड़ मार दिया कोई बात नहीं, लड़ाई झगड़ा हो गई कोई बात नहीं, भारत में पाकिस्तान, पाकिस्तान में भारत में लड़ाई झगड़ा हो गई कोई बात नहीं, आराम से बैठे कोई बात नहीं। ये कोई बात नहीं तो बड़ा खतरनाक है, कोई बात नहीं ऐसे कैसे कोई बात नहीं? हमारे अभी डायलॉग यूज करने लगे, चौकी में अगर कुछ हो जाए, चम्मच गिर जाए क्या कहते हैं? कोई बात नहीं। कटोरी गिर जाए तो कोई बात नहीं, और आदमी गिर जाए तो कोई बात नहीं, ऐसे कैसे कोई बात नहीं? तुम तो कह रहे कोई बात नहीं, तो बहुत बड़ी बात होगी, तो कोई बात नहीं कैसे कोई बात नहीं? यही तो लड़ाई झगड़ा है, कोई बात नहीं। अपन तो कहते कोई बात नहीं, और धीरे धीरे जैसा कहते कहते ना जाने कितने लोगों ने हमें लूट लिया, हमारे देश में से कितना लूट के ले गए, बस इसी बात को सोच कर रह गए हम कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर कमा लेंगे, फिर हो जाएगा। हमारा इतना वैभव, इतना वैभव था, इतना वैभव, ये सब लूट लूट के ले गए, उस वैभव को लूट के ले गए।
हमारे देश का क्या सपा है? ऐसा बेटा है किसी देश में? ऐसा बेटा है किसी देश के पास जैसा रावण था? राम जैसा बेटा जो पिता की आज्ञा पर 14 वर्ष के लिए वनवास को ले चला गया, भक्त श्रवण कुमार जैसा है कोई बेटा अपने अंधे माँ बाप के लिए चार धाम की यात्रा कराने के लिए कंधों पर ले जाता है, ऐसा कोई बेटा है किसी देश में? कोई उदाहरण सुनने में आता है कि कहीं इसी देश में ऐसा उदाहरण सुनने मिल जाए आपको? नहीं, इतिहास हमारा उदाहरण है तो हमारे देश में सब कुछ पाया जाता है। पन्ना अध्याय जैसी अपने मालिक के बच्चे को बचाने के लिए अपने पुत्र का बलिदान दे देती है, ऐसी है कोई किसी देश में? ब्राह्मी सुंदरी जैसी पुत्रियां जो अपने पिता का सर ना झुक जाए आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर लेती है, है किसी देश में ऐसी बेटी? महाराणा प्रताप जैसे कोई व्यक्ति है जो घास की रोटी खाना पसंद करते हैं लेकिन किसी के सामने सर झुकाना पसंद नहीं करते हैं, किसी देश में ऐसा वैभव, ऐसा इतिहास? हमारा देश वह देश है जहाँ राम कृष्ण हनुमान आदिनाथ पारसनाथ और महावीर जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया। और तो और इनके नाम नहीं, जितने भी हर धर्म के जितने भी महापुरुष हुए उन सभी ने इसी भारत देश में ही जन्म लिया, इसलिए इस देश का नाम भारत, भारत माता के नाम से जाना जाता है, इसी ने सबको जन्म दिया है और किसी ने किसी को जन्म नहीं दिया। ऐसा कोई देश का नाम आपने सुना है जहां पर सुना जाता हो अमेरिका माता, रूस माता, ईरान माता, यूरोप माता, इंग्लैंड माता, पाकिस्तान माता, कहीं किसी के नाम में सुना? नहीं सुना, कोई है ही नहीं। केवल एक ही देश है जिसको माता की उपमा दी गई है, वो कौन? भारत माता। भारत माता के नाम से जाना जाता है हमारा देश, इसको भारत माता कहा जाता है। और किसी देश में माता नहीं जुड़ता है, चाहे वो कोई सा भी देश, कहीं का भी देश हो, किसी का माता शब्द नहीं जुड़ता। एक बार मैंने पूछा भारतीय संस्कृति की पहचान क्या है, भारतीय संस्कृति की पहचान क्या है, तो भिन्न भिन्न जवाब मिले, भिन्न भिन्न जवाब। एक व्यक्ति कहता है दिल्ली का लाल किला हमारे भारत देश की पहचान है, कोई कहता आगरा का ताजमहल, कोई कहता अजंता की एलोरा की गुफाएं, कोई कहता कुतुब मीनार, कोई कहता इंडिया गेट, कोई कहता गेट ऑफ इंडिया, जगह जगह अपने अपने नाम सब लोग बताने लगे। पर हमने कहा ये तो पत्थरों की इमारतें हैं, ये हमारी पहचान नहीं है। ये जो आप नाम बोल रहे हैं सब पत्थरों की इमारतें हैं, ये हमारे भारत देश की पहचान नहीं है। भारत की पहचान तो है जियो और जीव दो से हमारे भारत देश की पहचान है, वसुदेव कुटुंबकम से हमारे विश्व की पहचान है, जो विश्व को एक परिवार मानता है। हमारी पहचान हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता से है हमारे भारत देश की पहचान। देखिए पाश्चात्य संस्कृति और भारतीय संस्कृति में कितना अंतर है। भारतीय संस्कृति कहती है कि विश्व एक परिवार है जिसमें सब जीवों को रहने का अधिकार है, ये भारतीय संस्कृति की पहचान। भारतीय संस्कृति कहती है, पाश्चात्य संस्कृति क्या कहती है कि विश्व एक व्यापार है, पाश्चात्य संस्कृति कहती है विश्व एक व्यापार है और जिसमें केवल मनुष्यों को रहने का अधिकार है, ये पाश्चात्य संस्कृति कहती है। इससे विपरीत हमारी भारतीय संस्कृति जो सबको जीने का अधिकार देती है वो कहती है विश्व एक परिवार है जिसमें सब जीवों को रहने का अधिकार है, हमारी भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति ध्यान रखना, हमारा राष्ट्र सुरक्षित है तो धर्म सुरक्षित है, राष्ट्र से बड़ा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। अमेरिका, चाइना, रूस, जापान, ये तो सभी एक राष्ट्र हैं, क्या है, ये तो सब एक राष्ट्र हैं। अमेरिका भी एक राष्ट्र है, चाइना भी एक राष्ट्र है, रूस भी एक राष्ट्र है, चाइना और जापान भी एक राष्ट्र है, पर भारत, भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसमें महाराष्ट्र है, सौराष्ट्र है, ऐसा देश हमारा भारत देश। ये तो एक राष्ट्र है, हमारे यहां तो सौराष्ट्र है, सौराष्ट्र है, महाराष्ट्र है, वो हमारा भारत देश है। तुम भारत देश के अनुयायी, ये देश नेता और फौजी का ही नहीं, ये देश हमारा भी है। कोई कहता है मुझसे, किसी ने कहा कि आप तो संत हैं,
आपको क्या जरूरत है 15 अगस्त करने की, क्या आवश्यकता है आपको, क्या इस पर बोलना, आप तो धर्म का बोले। हमने कहा भैया ये देश नेताओं का खेला नहीं है, ये देश केवल फौजियों के लिए नहीं है, ये देश हमारा भी है, इसमें रहने वाले हर श्रावक का है। वह देश है जहाँ की महिला चांद पर हो आई, जहाँ की महिला मुख्यमंत्री बन गई, जहाँ की महिला राष्ट्रपति तक बन गई, ऐसी है महिला हमारे देश की, ये भारत देश है। हमारे यहाँ नारी को भी वही सम्मान दिया जाता है, हमारे यहाँ नारी, वो नारी जो आज कोई ऐसा पद नहीं जहाँ पर नारी नहीं पहुंची हो, कोई सा भी पद नहीं, आप बताओ कोई भी पद हो तो बताओ, पुलिस में, मिलिट्री में, देश की सुरक्षा करने में, सीए बन गई, वकील बन गई, डॉक्टर बन गई, इंजीनियर बन गई, वकालत कर ली, जज बन गई, चांद पर हुआई, बताओ महिला ने क्या नहीं किया, क्रिकेटर बन गई, हर चीज महिला ने कर ली, ऐसा कोई काम नहीं जो महिला नहीं कर सकती है। फिर अपने आप को हीन क्यों समझे कि हम नहीं कर सकते, हम उस देश के वासी हैं जहां पर जीत कर भी वापिस दे दिया जाता है। कितना हमारा देश करुणामान है कि पहले जीत लेते हैं और जीतने के बाद वापिस दे देते हैं, जैसे कि बाहुबली ने भरत को जीता और वापिस दे दिया, बोले आप ही राज्य करो। राम ने क्या जीता, लंका को जीता और विभीषण को वापस दे दी, बोले ले लो। कृष्ण ने क्या जीता, मथुरा को जीता और वापस दे दिया। हमारे लाल बहादुर शास्त्री ने क्या जीता, पाकिस्तान को जीता। इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को जीता और वापस कर दिया, लो ले लो वापस। हमारी भारतीय संस्कृति तो वो है जो जीत कर भी वापस कर देती है, इसलिए भारतीय संस्कृति हमारी इसलिए जानी जाती है। भारत के पास अपना एक स्वाभिमान है, अपना गर्व है, और हम फक्र से कहते हैं कि हम भारतवासी हैं। आप घूम आना, जहां जहां आपका मन करे ना घूम आना, जितने भी देश आपको घूमना हो, पूरे लगभग 120-140 देश हैं दुनिया में, घूम आना, जहां जहां घूमने का मन हो सब जगह घूम के आ जाना। और घूम कर आओगे तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भैया सारे देश घूम कर आए हो, बताओ कौन सा देश अच्छा लगा, तो एक ही बात मुझसे निकलेगी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा से जहां से अच्छा, इससे अच्छा कोई देश नहीं। घूम जिसको जहां जाना चले जाओ, देखाओ, लेकिन जब आओगे तो यही कहोगे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। एक बार अमेरिका के संपादक ने भारत की संसद में पूछा, 1958 की बात है, एक बार अमेरिका के संपादक ने पूछा, यहां के संसद जो सांसद था उससे पूछा, एक बात बताइए मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। बोले हाँ बोलो। तो उसने पहला प्रश्न किया, ले हो क्या कर रहे हो, बोले नहीं नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं तीन प्रश्न पूछना चाहूंगा मैं आपसे, आप तीन प्रश्नों का जवाब दीजिए जी, मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं पूछना चाहता हूं। पहला प्रश्न उसने पूछा कि बताइए आपके देश का नाम क्या है, तो बोले भारत। आप भी क्या कहेंगे, आपके देश का नाम क्या है, भारत। जब आपसे पूछा जाए तो आप भी कहते हैं हमारे देश का नाम भारत है, आप कहते तो भारत है। उसने मानो तुरंत जवाब दिया संपादक ने, जब आप अपने देश का नाम भारत कहते हैं, उसने कहा तो फिर इंडिया कैसे हो गया, जब आपके देश का नाम भारत है तो इंडिया कैसे हो गया, बाकी देश के नाम तो एक ही है, अमेरिका का नाम अमेरिका है, रूस का रूस है, चाइना का चाइना है, और जापान का जापान है, पाकिस्तान का पाकिस्तान, अफगानिस्तान का अफगानिस्तान, सबके नाम एक है, और भारत के नाम तो गिनती बढ़ाते जा रहे हैं आप, पहले भारत को हिंदुस्तान ले लिया, इंडिया ले लिया, और कितने लोग हैं भाई, पहले इंडिया बनाया उसके बाद हिंदुस्तान बना दिया, हमारा भारत कहां गया। हमारे भारत की पहचान तो वो है जो आदिनाथ भगवान के पुत्र भरत के नाम से भारत नाम जाना जाता है। जब भारत शब्द बोलते हैं तो हमें आदिनाथ की याद आती है, आदिनाथ के पुत्र की याद आती है, कि उनके भरत के नाम पर भारत देश पड़ा, उनकी याद नजरती है, वो भारत देश है। ध्यान रखना इंडिया नाम आते ही गुलामी के दिन याद आ जाते हैं, और भारत कहोगे तो भरत चक्रवर्ती का नाम याद आ जाता है।
राजा नाभिराय के नाम पर देश का नाम अजनावर्ष था। पहले भारत का नाम अजनावर्ष था और फिर इसके बाद भरत चक्रवर्ती के नाम पर देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। प्रमाण मिलते हैं कि ऐसा था। महानुभाव सारे देश देख कर आना, सारे देश देखाना, सबसे अच्छा तो हमारा भारत देश है। हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलिस्तान। मन प्रफुल्लित हो जाए अपने देश को देखकर। दूसरा प्रश्न किया उस संपादक ने, कहता है मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बोले हाँ पूछिए। बोले आपके देश की भाषा क्या है, आपके देश की भाषा क्या है? तो तुरंत जवाब मिला, क्या है भाषा? हिंदी। उसने तुरंत जवाब दिया, अगर भाषा आपके देश की भाषा हिंदी है तो फिर इंग्लिश में क्यों काम कर रहे हो? इंग्लिश में किस लिए काम हो रहे हैं? कश्मीर भारत माँ का सिंदूर है और हिंदी भारत की बिंदी है। हिंदी भारत की बिंदी है। हमारे देश के जवान अपनी भारत माँ का सिंदूर नहीं मिटने देंगे, इसलिए तो कश्मीर को लेने के लिए तैयार है। कश्मीर हमारा है, था, हमारा रहेगा। सोचो भैया, हमने अपनी देश की हिंदी भाषा को क्यों छोड़ दिया? कहां गई हमारी हिंदी भाषा? उसको छोड़ दिया। हमारे देश के नेता देख लो, अगर महाराष्ट्र में वोट मांगने जाते हैं तो क्या बोलते हैं? मराठी। गुजरात में वोट मांगते हैं तो क्या बोलते हैं? गुजराती। अब कर्नाटक में जाते हैं तो बोलते हैं कन्नड़। और बांग्लादेश में यहाँ पर हमारे पश्चिम बंगाल में वोट मांगेंगे तो बोलेंगे बंगला। तो संसद में जाके क्या बोलते हैं? इंग्लिश। संसद में जाके क्या बोलते हैं? तो आ गई तुम्हारी भाषा। वो भाषा को ही छोड़ देते हैं। जिन भाषा को बोलकर तुमने वोट मांगे, वहां पर जाके तुमने इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया। कहां गई तुम्हारी राष्ट्रभाषा? कहते तो हो राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी है। हिंदी दिलों को जोड़ती है, दिलों के दिल के पास रहती है। हमारी राष्ट्रभाषा यदि कोई है तो वो है हिंदी। जहां हिंदी समझाती है, हिंदी के रिश्ते सामने आते हैं। एक मामा कहता है तो मामा का रिश्ता झलकता है, एक चाचा कहता है तो चाचा का रिश्ता झलकता है, फूफा कहता है तो फूफा के रिश्ते समझते हैं। जब जब जो जो रिश्ते का नाम लिया जाए वैसे रिश्ते के भाव बनते हैं। और इंग्लिश ने तो सब कुछ पीड़ा गर्ग कर दिया, सबको क्या बना दिया? अंकल। अंकल बस अंकल। चाचा भी अंकल है, मामा भी अंकल है, फूफा भी अंकल है, और जो भी वो सब अंकल बन गए। अंकल सब बन गए अंकल। पापा डैड जिंदा आदमी को मार दिया। और मम्मी को क्या बना दिया? माँ को क्या बना दिया? मॉम। मम्मी 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 जानते किसको कहते हैं? लाश को। जो लाश बना के रखी जाती ना उसको कहते हैं मम्मी। जिंदा डैड, जिंदा पापा को बना दिया डैड और माँ को बना दिया मॉम मम्मी। क्या करेंगे हम ऐसी अंग्रेजी को अपना के? क्या करेंगे? हिंदी हमारी भाषा है। प्यास में पानी, पूजा में जल, हमारे यहाँ के ये भाषा है। प्यास में अगर पानी मांगा जाए तो पानी कहा जाता है, और यदि पूजा में अगर चढ़ाने के लिए बात करें तो पानी शब्द नहीं बोलते, यहाँ पर जल का प्रयोग किया जाता है। और इंग्लिश में वाटर, क्या कहते हैं इंग्लिश में? वाटर। वाटर कहते वाटर, क्या होता है वाटर? अंग्रेजी ने भारत को अभी भी गुलाम बना रखा। हमारे नेता भी ऐसा ही करते हैं, वो भी इंग्लिश ही इंग्लिश बोलते हैं। जहां जाओ वहां इंग्लिश, पार्लियामेंट में इंग्लिश इंग्लिश ही बोलते हैं। जो जुबान का नहीं हुआ वो जमीन का नहीं हो सकता, जो अपनी जुबान का नहीं हो वो अपने जमीन का भी नहीं हो सकता। हमारी संस्कृति तो वो संस्कृति है जहां आ से अनार, बचपन में सीखा कि नहीं? आ से क्या बोलते हैं? आ अनार का, आ से अनार से शुरू होती है हमारी संस्कृति, और लास्ट में कहां छोड़ती है? ग्य से ज्ञानी बना के छोड़ती है। आ से अनार से प्रारंभ होती है, ग्य से ज्ञानी बनाकर छोड़ती है। और पाश्चात्य संस्कृति ए से एप्पल से शुरू होती है, और जेड से जेब्रा बना देती है। जेब्रा, जेब्रा का मतलब अंग्रेजी गधा। हाँ, अपने भारत का गधा अलग है, वो गधा कौन सा है?
अंग्रेजी गधा बना देती है, एप्पल से शुरू करके अंग्रेजी गधा बना देती है। भैया ध्यान रखना, ज्ञानी बनना है तो हिंदी में आना पड़ेगा, हिंदी को अपनाओ। हम पूरब के लोग हैं और वो पश्चिम के लोग हैं। सबसे पहले अगर सूर्य उदित होता है तो पूरब में उदित होता है, भारतीय संस्कृति से उदित होता है। हम उस भारत देश के भाती हमारे लिए उगना सिखाते हैं और वहां अस्त होना सिखाते हैं, वहां अस्त सिखाया जाता है। भैया देखो हमारे भारत की पहचान करो, आज आज जानो आप भारत क्या है। यूरोप में 10% युवा है, यूरोप में 10% युवा है, अमेरिका में 12% युवा है, चीन में 37% युवा है, और भारत एक ऐसा देश है जहां पर 62% युवा है जो दुनिया की सोच बदल के रख सकते हैं। वो युवा दुनिया की सोच बदल के रख सकते हैं। ऐसे युवा अगर अपने भारत देश के लिए काम करने लग जाए तो ध्यान रखना हमारे देश का नाम सबसे ऊपर टॉप पर होगा, एक नंबर पर। लोग कहते हैं कि अमेरिका दादा है, क्या कहते हैं? अमेरिका दादा है, तो चाइना को क्या कहते हैं? चाइना बाप बन रहा है। अमेरिका दादा है तो चाइना बाप बन रहा है। ध्यान रखना ना हमारा हिंदुस्तान दादा है ना ही पापा है, हमारे हिंदुस्तान में तो भारत माता है। हम तो वो हैं जो पापा को भी जन्म देते हैं और दादा को भी जन्म देते हैं, जन्म देने वाली माता है हम तो, वो भारत माता। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ जब उस समय जापान और भारत का युद्ध चल रहा था, जापानी सैनिक की बंदूक गिर गई तो भारतीय सैनिक निहत्थे पर बार नहीं करते, भारतीय सैनिक निहत्थे पर बार नहीं करते। आमने सामने दोनों सैनिक खड़े हुए हैं, जापान का सैनिक है तो भारत का सैनिक है, और जापान के सैनिक की बंदूक गिरी तो भारत के सैनिक ने उसको गोली नहीं मारी, निहत्थे पर बार नहीं करते भारतीय। पर सैनिक प्यास से तड़प रहा था, घायल हो गया था, प्यास से तड़प रहा था, घायल हो गया था, भारतीय सैनिक उसको पानी पिलाने गया, उसको पानी पिलाने के लिए गया, और जैसे ही पानी पिलाने के लिए हुआ उस जापानी सैनिक ने अपने पैर के पास से कटार निकाल के और भारतीय सैनिक के पेट में घाव दिया, दोनों गिर गए, दोनों घायल हो गए, घायल थे अभी, घायल थे। वो जापानी सैनिक अपनी सीमा में था, उसको भी हॉस्पिटल ले जाया गया, दोनों को हॉस्पिटल ले जाया। 8 दिन बाद दोनों को होश आया, जब दोनों को होश आया तो भारतीय सैनिक दोनों सौभाग्य देखो दोनों आसपास लेटे हुए, भारतीय सैनिक अपने हाथ में दूध का गिलास लेकर उस जापानी सैनिक के पास जाकर कहता है कि लो भाई दूध पियो, दूध पियो, तुमने मुझे कटार मारी और तुम मुझे, मैंने तुम्हें कटार मारी और तुम मुझे दूध पिला रहे हो। जापानी सैनिक कहता है कि मैंने तुम्हें कटार मारी और तुम मुझे दूध पिला रहे हो। बोले हमारा देश तो ऐसा ही है। तब जापानी सैनिक कहता है अब समझ में आया कि भारत को माता क्यों कहा जाता है। दूसरा प्रश्न था, तीसरा प्रश्न संपादक ने कर लिया, आपके देश की सभ्यता और संस्कृति क्या है? देश की सभ्यता और संस्कृति क्या है? तो उसने कहा हमारे यहाँ देश की संस्कृति तो भारतीय संस्कृति है और भारतीय संस्कृति रंग रूप से देखी जाती है। तो उसने कहा फिर आपके यहाँ के लोग ये विदेशी कपड़ों को पहनने के लिए क्यों तरसते हैं, विदेशी पहचान को लेकर क्यों बैठते हैं, क्यों ऐसा क्या कारण है? भारतीय संस्कृति में नारी पुरुष के पीछे चलती है क्योंकि उसे अपने पति पर पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है। और विदेश के लोग हाथ पकड़ कर गले में हाथ डाल के चलते हैं, क्यों? क्योंकि उनको विश्वास नहीं है कि दूसरी जगह चला गया था, इसलिए हाथ पकड़ कर गले में हाथ डाल के चलते हैं। वो संस्कृति उनकी संस्कृति है। हमारा तिरंगा देखिए, तिरंगा फहराया जाता है तीन कलर में, तीन रंगों में तिरंगा, सब लोग देखो तीन रंग में बनाएगा, क्यों बनाएगा, किस लिए बनाएगा, इसका रीजन क्या है, कभी जाना क्या इसके बारे में, समझा? तिरंगे में तीन रंग होते हैं जो सभी धर्मों को लेकर चलता है, वो है हमारा तिरंगा। सबसे ऊपर भगवा रंग जो हिंदुओं का प्रतीक है, उसके बाद सफेद रंग जो ईसाइयों का प्रतीक है,
उसके बाद हरा रंग जो मुसलमानों का प्रतीक है। तो इसने कहा फिर भैया आप बताओ हिंदुओं का रंग हो गया, ईसाइयों का रंग हो गया, मुस्लिम का रंग हो गया, अब बोले जैनों का क्या है इसमें, जैनों का क्या है। तो मैंने कहा जैनों का भैया जैनों का तो उसमें एक चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं जो 24 तीर्थंकर के प्रतीक। अच्छा फिर उसने कहा कि एक से एक बात बताओ हिंदू आ गया, मुस्लिम आ गया, ईसाई हो गया, जैन भी हो गया, तो सिख का क्या है इसमें। तो मैंने कहा भाई झंडा किस पर लगता है, डंडे पर, सिखों का प्रतीक है, उसके बिना तो झंडा अधूरा है। सभी धर्मों को लेकर बना हमारा झंडा तिरंगा है। हम उस झंडे में की आड़ में रहते हैं, अपने देश को भारतवासी कहते हैं। ध्यान रखना, एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि आप लोग ना जब देखो आप बीजेपी का प्रचार करते हैं। हमने कहा बीजेपी का प्रचार कैसे करते हैं, बोले आप तो जोड़ो भगवान भी करते हैं। हमने मतलब देखो बोले जब भी भगवान को बिठाया जाता है कमल पे बिठाया जाता है, किस पर बिठाया जाता है, कमल पर बिठाया जाता है। भगवान के हाथ कैसे है, बोले कर कमल। भगवान के नाम कैसे है, बोले नील कमल। भगवान के हृदय में क्या है, बोले हृदय कमल। वहां नाभि को क्या बोलते हैं, नाभि कमल। ओ भैया सब जगह कमल ही कमल बोलते हैं, बोले आपके यहाँ तो कमल का प्रचार होता है, आपका भी जब आसन लगाया जाता है तो आपको भी कमलासन पे बिठाते हैं, बोले बीजेपी का प्रचार होता है। भैया हमने कहा किसी भी पार्टी का प्रचार नहीं करते हैं, किसी भी पार्टी का प्रचार नहीं करते। देखो जब आप नमस्कार करते हैं तो क्या बन जाते हैं, इसका प्रचार हो गया। हमारे जैन धर्म का एक चिन्ह है, ऐसा चिन्ह है ना पंजे का, तीन लोग के नक्शे में होता है, इसका प्रचार हो गया। कांग्रेस ही हो गए, ओह प्रवचन के लिए बैठे तो कमलासन पर बिठा दिया, तो भाजपा बन गए। मंगल प्रवेश हो रहा था तो सबसे आगे किसको चलाया, हाथी को चलाया, इसका प्रवेश हो गया, किसका प्रचार हो गया, ओहो बसपा का प्रचार हो गया। और भैया जब लाइट चली गई तो लांटेन लेके आगे मुनिराज स्वाध्याय कर लो, इसका प्रचार हो गया। और भैया जब पेट्रोल के रेट बढ़ जाते हैं तो बिहार में क्या चलती है, साइकिल से चलते हैं, तो मुलायम का प्रचार हो गया। सबके प्रचार किसी एक पार्टी के बदले हुए नहीं है। कौन कहता है देश भूखा है, कहते हैं लोग बोलते हैं भूखा मर रहा है, भूखा मर रहा है, चिल्ला चिल्ला के लोग बोलते हैं। कौन कहता है देश भूखा मर रहा है, एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन रहा है। कौन कहता है कि देश भूखा मर रहा है, चाय वाला प्रधानमंत्री बन रहा है और झाड़ू वाला मुख्यमंत्री बन रहा है, 12वीं पास शिक्षा मंत्री बन रहा है और अंगूठा छाप सरपंच बन रहा है, और पढ़े लिखे लोग फेसबुक फेसबुक खेल रहे हैं, ग्रुप ग्रुप खेल रहे हैं, व्हाट्सएप व्हाट्सएप खेल रहे हैं। कौन कहता है हमारा देश भूखा मर रहा है। यार दिवाली और होली तो सभी मनाते हैं, आज हम यहाँ पर बैठे हैं जश्न आजादी 15 अगस्त स्वतंत्र दिवस मनाने के लिए। दिवाली का त्योहार सब मना लेते हैं, होली का त्योहार सब मिलकर मनाते हैं, हम यहाँ पर 15 अगस्त मनाते हैं। हम तो वो हैं जो प्रकृति से भी रिश्ता जोड़ लेते हैं, हम भारत देश के वासी हैं, हर प्रकृति से रिश्ता जोड़ लेते हैं। जब मिट्टी हमें भोजन देती है, जब भूमि हमें भोजन देती है, तो हम उसको माँ का दर्जा दे देते हैं, धरती माता कहते हैं। जब पत्थर पत्थर से रिश्ता जोड़ते हैं तो पत्थर की मूर्ति बनाकर परमात्मा विराजमान बना देते हैं। जब गंगा से रिश्ता जोड़ते हैं, पानी से रिश्ता जोड़ते हैं, तो गंगा को मैया कह देते हैं, और चंदा से रिश्ता जोड़ा तो चंदा को मामा बना लिया, और गाय से रिश्ता जोड़ा तो गौ को माता बना लिया, जिनवाणी माता सरस्वती माता बना लिया। और एक कागज के टुकड़ों पर अगर जिनवाणी की शब्द लिखे जाए इसको भी विद्या माता कह के बुला लेते हैं, ये हमारी विद्या माता है। ये भारत एक मिट्टी का टुकड़ा नहीं, ये तो हमारी माता। पाश्चात्य संस्कृति में पदार्थ खोजते हैं, पाश्चात्य संस्कृति में रिसर्च चल रही है, वहां पर क्या खोजा जाता है, पदार्थों को खोजा जाता है। हम तो उस देश के वासी हैं, हमारे यहाँ परमात्मा खोजी जाते हैं। पदार्थ तो बहुत दूर की बात है, हमारे यहाँ तो परमात्मा को खोज की जाती है। उस संपादक की तीनों चीज को याद रखें और अपने आप में गर्व रखें।
संस्कार और संस्कृति की शान मिले कैसे, हिंदू मुस्लिम और हिंदुस्तान मिले कैसे, हम मिलजुल के रहे ऐसे, मंदिर में अल्लाह और मस्जिद में राम मिले कैसे, ऐसे मिलकर जो रहे वो भारतीय वासी। इस देश के मंदिर में कहां दरार नहीं है, इस देश के मंदिर में कहां दरार नहीं है, सही सलामत एक भी दीवार नहीं है। ये मत पूछो किसने लूटा इस गुलशन को, ये मत पूछो किसने लूटा इस गुलशन को, ये पूछो इस लूट में कौन हिस्सेदार है, सब हिस्सेदार है। कहते हैं ये वहां बिहारी है, ये बंगाली है, ये मद्रासी है, भैया ये बिहारी ये बंगाली वो मद्रासी, हमको आपस की भेद मिटानी होगी, तुम मुसलमान हो मैं हिंदू और ईसाई है, ये सबको मजहब की दीवार गिरानी होगी, मजहब की दीवार गिरानी होगी, हम देश की शान समझो। थोड़ा सा हमें लग रहा है कोई बात नहीं, जाने दो, बैठो आराम से, चिंता मत करो, आज देश के लिए बोलना है। रोज तो धर्म के लिए बोलते थे, धर्म के लिए बोलकर अपने आप को करते थे हमारा धर्म हमारा वहां धर्म हमारा धर्म, ये तो एक धर्म ही तो राष्ट्र धर्म है, हम उस राष्ट्र धर्म के लिए बोल रहे हैं, वो राष्ट्र अन्य देश जो चांद तारे की यात्रा करते हैं और चांद तारे पर पहुंचते हैं, लेकिन हमारा देश एक भारत देश ही ऐसा है जो मोक्ष की यात्रा कराता है और मोक्ष तक पहुंचाता है, ये हमारा भारत देश है। तो महान भाव, क्रिकेट में अगर वो 11 खिलाड़ी अगर जीत जाए ना तो पूरे भारत में जश्न मनाया जाता है, मनाया जाता कि नहीं, क्रिकेट में अगर वो 11 खिलाड़ी आपकी टीम को झंडा फहरा दे तो पूरे देश में जश्न मनाया जाता है, खूब पटाखे फोड़े जाते हैं और जब वो लौट कर आते हैं तो देश में उनका सम्मान किया जाता है, कहीं उनको गाड़ी मिल रही है, कहीं उनको घर मिल रहा है, फ्लैट मिल रहा है, कहीं उनको पैसे दिए जा रहे हैं, भैया वो तो केवल 11 खिलाड़ी अपने देश की झंडा को आगे बढ़ाए, इतना सम्मान किया, क्या उतना सम्मान हम एक सैनिक को देते हैं जो अपने देश की रक्षा के लिए गोली खाने को भी तैयार हो जाता है, ऐसा देश का सैनिक, उस सैनिक का सम्मान जरूर होना चाहिए, उस सैनिक की वजह से तो आज हम यहाँ पर सुरक्षित हैं। इसलिए मैं कहता हूँ अपनी ना तीन संतान होना चाहिए, हम दो हमारे तीन, ऐसे होना चाहिए सूत्र, ये पुराना डायलॉग हो गया, हम दो हमारे दो, ये तो पुराना था, आज की युवा जनरेशन बना लिया हम दो हमारा एक, लेकिन मैं कहता हूँ हम दो हमारे तीन होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, एक संतान अपने देश के लिए, एक संतान अपने देश के लिए रखना जो आपके देश को सुरक्षित रख सके, और एक संतान धर्म के लिए रखना जो आपके समाज को सुरक्षित रख सके, एक संतान देश के लिए, एक संतान समाज के लिए, और तीसरी संतान अपने वंश के लिए सुरक्षित रखना जो आपके वंश को चला सके, निश्चित उस धर्म का नाम रोशन होगा, समाज का नाम रोशन होगा और आपके देश का नाम रोशन होगा। इसलिए महानुभाव आज का यह संदेश आपको यही सिखाता है कि हम स्वयं को जाने, अपने आप को पहचाने, इस स्वतंत्रता दिवस पर अपने शरीर के साथ साथ अपनी आत्मा को स्वतंत्र करने की भावना माने। अब आ जाइए धर्म पर, हमारा शरीर हो गया, आत्मा को स्वतंत्र करना है तो तब करना पड़ेगा, धर्म अपनाना पड़ेगा, तभी आप अपनी आत्मा को मोक्ष अवस्था तक पहुंचा सकते हैं। तो महानुभाव सबको स्वतंत्र मानना ही स्वतंत्र होने का उपाय है, हम अपने आप को स्वतंत्र बनाने का प्रयास करें, जितना कर सकते हैं उतना प्रयास करें, अपनी आत्मा को पराधीनता से परतंत्रता से छुड़ाने का प्रयास करें, आप भी एक दिन स्वतंत्र बने। आज 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ था और आज 15 अगस्त 2024 की जगह पर हम बैठे हैं, 77 वर्ष बीत चुके, इन 77 वर्षों में कितना बदलाव हुआ है, इस देश में क्या था क्या हो गया, ये आज आपने थोड़ा सा जाना समझा, और आपके पास तो बहुत सारा चिंतन, आपके पास तो बहुत सारा इतिहास राजनीति है जो आपको बता सकती है कि इन 77 सालों में आपने क्या क्या बदला, क्या क्या देखा, दुनिया इधर की उधर हो गई, सब कुछ देखा, सब कुछ बदला। तो आज के स्वतंत्रता दिवस में बस इतना सा सूत्र अपने आप में मान लेना कि आपको अपने आप को स्वतंत्र रखना है, स्वतंत्र बनाना है, केवल शरीर को ही नहीं अपनी आत्मा को स्वतंत्र बनाने का काम
जरूर करना है। हम आपस में मिलकर रहे, हम देश, हमारा देश भारत देश है, हमारी भाषा हिंदी है, पर हमारी संस्कृति जो है, हमारा रंग रूप है, हमारी वेशभूषा है, तभी हम भारत के निवासी हैं। भारत को भारत कहें, ना हिंदुस्तान कहें, ना इंडिया कहें, हमारा देश भारत का भारत है और भारत ही रहे। कैसे मंगल भावना के साथ जय बोलो पारसनाथ भगवान की। जिनवाणी भारती दो जब उतरे जो तेरी सरनावे सो पावे सूचन देन वजो हिंद को गुरु सेवा निरंतर दया धर्म पालो सदा ही मोक्ष कल्पन धर्म कर संसार सो धर्म कर निर्वाण धर्म पंच साधे बिना सत्य समान। सभी लोग बैठ जाए, बैठकर जिनवाणी गुरु मां का आप बैठकर ही कार्य सिद्ध करें।